हेलो, मेरा नाम टाइगर संतोष नायर है और मैंने ये वादा किया था आपसे कि मैं हर फ्राइडे को आपके पास आऊंगा और आपको एक बीएससी दूंगा। बीएससी क्या है? बिजनेस सॉल्यूशन कैप्सूल। एज अ बिजनेसमैन, एज एन एंटरप्रेन्योर, मेरा काम है आप लोगों को अगला लेवल पे लेके जाना है। और आज का जो बिजनेस सॉल्यूशन कैप्सूल है, जिसका शीर्षक मैंने रखा है, कहीं असली गुनेगार आप तो नहीं है। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि एक होता है ड्रीम टीम और एक होता है अनोइंग टीम। अब ड्रीम टीम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या क्या है? एक ड्रीम टीम का नंबर वन कैरेक्टरिस्टिक है, यू नो, नंबर वन इज नोन एज एवरीवन इज ऑन द सेम पेज। हर आदमी इज अलाइंड, वो एक पेज में है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स एक ड्रीम टीम की ये है कि 100% कमिटमेंट। तो वन इज दैट एवरीबॉडी इज ऑन द सेम पेज एंड 100% कमिटमेंट, ये है दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स। तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है शॉर्ट, क्रिस्प एंड कंक्लूडिंग मीटिंग्स होता है। ड्रीम टीम के मीटिंग शॉर्ट होते हैं, कंक्लूडिंग होते हैं और बहुत ही क्रिस्प मीटिंग होते हैं। चौथा जो होता है एवरीवन वर्क्स ऑन देयर डिस्टिंक्ट फोर्टे, मतलब एवरीबॉडी इज डूइंग व्हाट दे लव टू डू एंड डू बेस्ट। पांचवा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ड्रीम टीम का वो है नो मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड, मतलब ये टीम में किसी को मैनेज करने की जरूरत नहीं, मोटिवेट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं, इंस्पायर करने की जरूरत नहीं, नो मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। और छठवां जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ड्रीम टीम का वो ये है कि फ्यूचर लीडर्स आर क्रिएटेड फ्रॉम द ड्रीम टीम। अब देखिए, छह कैरेक्टरिस्टिक्स है, एवरीवन ऑन द सेम पेज, 100% कमिटमेंट, शॉर्ट, क्रिस्प एंड कंक्लूडिंग मीटिंग, एवरीबॉडी इज वर्किंग ऑन देयर डिस्टिंक्ट फोर्टे, नो मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एंड फ्यूचर लीडर्स आर क्रिएटेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टीम। अब ये हो गया ड्रीम टीम के कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके ऑपोजिट में अगर देखेंगे, एक होता है अनोइंग टीम। अनोइंग टीम यानी कि जो गुस्सा दिलाती है टीम, एक ड्रीम टीम है जो गुस्सा दिलाने नहीं दिलाती है, और एक होता है अनोइंग टीम जो कि गुस्सा दिलाती है, आपको अपसेट करती है, आपको फ्रस्ट्रेट करती है। तो इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? सबसे पहला तो ये होता है कि यहां पर कॉन्फ्लिक्ट, कंफ्यूजन और केओस होता है। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए annoying team, गुस्सा दिलाने वाला team है, conflict, confusion, chaos and conflict और complexity होता है। यहाँ हर चीज में मारा मारी है, हर आदमी में disagreement है। दूसरी characteristics है regular, long and tiring meeting, मतलब थका देने वाला meeting चलता है यहाँ, कोई conclusion नहीं होता इसमें। तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो है गेस्टवर्क होता है, यहाँ पर ग्रेप वाइन होता है और गॉसिप बोथ होता है। ये है तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए अनोइंग टीम। चौथा, नो कमिटमेंट टुवर्ड्स द गोल्स। और पांचवा, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू मैनेज, मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है ये अनोइंग टीम को। और पांचवा, मैनेजर्स आर हाईली प्रेस्ड, मैनेजर लोग को बहुत प्रेस किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो अनोइंग टीम होता है उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, और फिर क्योंकि वहां लफड़े, यहाँ लोचे, यहाँ झगड़े, यहाँ गॉसिप, वहां पर नॉन अलाइनमेंट, यहाँ पर नॉन अलाइनमेंट, नोबडी इज ऑन द सेम पेज, और ये जो कंफ्यूजन के बीच में एक जो मैनेजर होता है जो मैनेज करता है, उसको हम लोग जबरदस्त रिवॉर्ड देते हैं। क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं, भैया तू है बोल के ये चल रहा है, अरे कौन मैनेज करेगा, तू है, चलो तेरे को रिवॉर्ड देंगे, तेरे को पैसा, इज्जत, नाम, ग्रोथ, प्रमोशन सब देते हैं। एक मिनट के लिए सोचा जाए तो सचमुच में वहां कुछ हो नहीं रहा है, देयरफॉर ये आदमी को रिवॉर्ड करने का कोई मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है कि आज ये सोचने के लिए हमें मजबूर होना पड़ेगा कि असली गुनहगार है कौन। नाउ अगर आप देखेंगे कि आपने ड्रीम टीम का कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई कर दिया, आपने अनोइंग टीम का कैरेक्टरिस्टिक्स को मैंने आपके सामने बता दिया, अब समझ लो आपके पास अनोइंग टीम है।
और जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स में घूम रहा है, तो आप क्या करेंगे? सबको बुलाएंगे और निकाल देंगे? सोचने वाली बात यह है कि जब वो लोग आए थे, जब ये मेंबर्स आए थे, जो भी आज आप सोचते होंगे कि अनोइंग टीम मेंबर है, जब भी ये लोग आए थे तो इनका आपने बायोडाटा देखा था, इनका एक्सपीरियंस देखा था, इनका बैकग्राउंड देखा था, इनसे आपने बात की थी, इन्होंने इंटरव्यू दिया था, आप प्रभावित हुए थे इनके बातों से, आप प्रभावित हुए थे इनके एटीट्यूड में, आपको दम लगा और आपने उनको सिलेक्शन प्रोसेस से गुजारा और उस सिलेक्शन प्रोसेस के माध्यम से आपने उनको सिलेक्ट किया। तो इसका मतलब है कि आप तो बहुत ही इंप्रेस थे। दूसरा, तो अगर आप इंप्रेस थे तो अब ये अनोइंग टीम में कैसे बदल गए, ये भी सोचने वाली मुद्दे हैं। दूसरी एक बात सोचने लायक है कि क्या ये जो मेंबर है, ये जो आज अनोइंग टीम का मेंबर है, क्या किसी एक जमाने में ड्रीम टीम का मेंबर था? क्या एक जमाने में बहुत जबरदस्त काम करता था, अलाइन था, 100% कमिटेड था, और अब वो अनोइंग टीम के तरफ निकल गया, अनोइंग टीम मेंबर बन गया? ये भी एक सोचने लायक बात है। दूसरी एक और बात सोचने लायक है कि क्या वो अपने कंपनी में जिधर वो पहले काम करता था वहां वो ड्रीम टीम मेंबर था? तो वहां वो ड्रीम टीम मेंबर था तो यहां वो अनोइंग टीम मेंबर कैसे बन गए? तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि एक जमाने में वो ड्रीम टीम में था, अब अनोइंग में चला गया, वो पुराने कंपनी में ड्रीम टीम में था और हमारे यहाँ के वो अनोइंग टीम का मेंबर बन गया। तो सचमुच में अगर देखा जाए, कौन है जिम्मेदार, सचमुच में देखा जाए तो कौन है जिम्मेदार, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रीम टीम मेंबर? अगर आज वो अनोइंग टीम मेंबर बन गया है तो कौन जिम्मेदार है, ये सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपकी संस्था वैसी है जहां ड्रीम टीम मेंबर अनोइंग टीम मेंबर बन जाता है, ये सोचने लायक बात है। क्या यू आर द पर्सन, क्या आप वैसे एक एंटरप्रेनर है जो चिड़चिड़े हैं, जो अपसेट रहते हैं, जो फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, जो एंग्री रहते हैं, जो खुद ही अनोइंग एक एंटरप्रेनर है, खुद ही डिस्टर्ब एक एंटरप्रेनर है, और आपने डिस्टर्बिंग ऑर्गेनाइजेशन या डिस्टर्ब ऑर्गेनाइजेशन को नहीं बना दिया? मैं आप पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, ये सोचने लायक बात है कि क्या आप चिड़चिड़े, घबराए हुए, फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री इंसान है जिसका कोई विजन नहीं है, जिसका कोई गोल नहीं है, जो स्ट्रेटजी शीट नहीं बनाता, जो फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता, जो आज के कामों में इतने बिजी है और इतना घुल मिल गया है कि सोच के चक्रव्यूह, हालात के चक्रव्यूह और ऊर्जा के चक्रव्यूह में आप फंसे हुए हैं, तो ये सोचने लायक बात है। मेरा ये मानना है कि ह्यूमन बीइंग्स को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। हर इंसान को एक ड्रीम टीम मेंबर बनाया जा सकता है और हर इंसान को ड्रीम टीम मेंबर्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, एवरीवन इज ऑन द सेम पेज, 100% कमिटमेंट, शॉर्ट क्रिस्प एंड कंक्लूडिंग मीटिंग्स, एवरीवन वर्किंग ऑन देयर डिस्टिंक्ट फोर्टे, नो मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड, फ्यूचर लीडर्स आर क्रिएटेड। तो मेरा ये मानना है कि ह्यूमन बींग्स को कन्वर्ट किया जा सकता है और उसे ड्रीम टीम का मेंबर बनाया जा सकता है। इसके लिए मेरे ख्याल से आपको ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, आपके संस्था को ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा और आपको हर एक जो आपका ड्रीम टीम मेंबर है, एक जो अनोइंग टीम मेंबर है, उसे ड्रीम टीम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये जो 6 कैरेक्टरिस्टिक्स जो ड्रीम टीम का है और 6 कैरेक्टरिस्टिक जो अनोइंग टीम का है, अनोइंग से ड्रीम बनाया जा सकता है, उसके लिए 30 स्टेप्स है जो हम लोग मास्टरी इन एंटरप्रेन्योरशिप एक्सेलेंस ऑनलाइन, हमारा जो गुरुकुल प्रोग्राम है, उसमें हम लोग वो 30 स्टेप सिखाते हैं। आपको सीखना चाहिए, आपको स्मार्ट के साथ और हमारे साथ जुड़ना चाहिए और हमारे कंपनी के साथ जुड़ना चाहिए। 2 कंपनियां हैं, एक तो संतोष नायर नॉलेज प्रोडक्ट्स एंड मर्चेंडाइज और एक स्मार्ट, जिसके अंदर ये मास्टरी इन एंटरप्रेन्योरशिप एक्सेलेंस ये प्रोग्राम ऑनलाइन में हम चलाते हैं। आपको ये स्टेप्स को सीखना चाहिए मेरे ख्याल से, और मैं वादा करता हूं कि अगर आपने वो सब किया
जैसे अभी ये जो छह कैरेक्टरिस्टिक्स आपने समझ लिया, एनोइंग वाला भी समझ लिया, आपने समझ लिया कि एक जमाने में वो एनोइंग टीम में नहीं था, वो ड्रीम टीम में था, एक भी समझ लिया कि आपका एनवायरमेंट ऐसा होगा शायद जिससे कि एक ड्रीम टीम का पनपने का संदर्भ ही पैदा नहीं हो रहा है, अगर ये बात है तो आपको इसके ऊपर काम करना चाहिए। और निश्चित रूप में अगर आपने इसके ऊपर दिल से काम किया तो आप भी एक ड्रीम टीम बना पाएंगे, एनोइंग टीम से आप निकल पाएंगे और एक ग्रेट संस्था बनाने में ये ड्रीम टीम आपकी मदद कर पाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आज का बिजनेस सॉल्यूशन कैप्सूल यहीं पर खत्म होता है। मेरा नाम टाइगर संतोष नायर है, मैं स्मार्ट का चेयरमैन हूँ और संतोष नायर नॉलेज प्रोडक्ट्स एंड मर्चेंडाइज का चेयरमैन हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।